Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CA Manoj Gupta and you're watching All About Taxes. अगर आप एक GST में registered person हैं या फिर एक transporter हैं और आपको Eway bill generate करने की requirement होती है, तो ऐसे में 1 अक्टूबर 2018 से Eway bill में कुछ changes किए जा रहे हैं। आज की हम अपने इस वीडियो में उन्हीं changes को discuss करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं, जो सबसे पहला चेंज किया गया है, जब आप ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद सब टाइप सिलेक्ट करते हैं, तो आपको जब डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना होता है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। लेकिन अब आपके लिए जब भी आप सब टाइप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उस सब टाइप सप्लाई के लिए होगा, वही रेलिवेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टाइप में शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रांजेक्शन टाइप में आउटवर्ड सप्लाई सिलेक्ट करते हैं और सब टाइप में सप्लाई सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे में जब आप डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखाई देंगे, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। उसके अलावा वहां पर आपको कोई भी और ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। उसी तरह अगर आप सब टाइप में जॉब वर्क रिटर्न सिलेक्ट करते हैं, ऐसे में डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सिर्फ डिलीवरी चलान ऑप्शन दिखाई देगा, बाकी के इररिलेवेंट ऑप्शंस वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देंगे। डिस्प्ले ऑफ ओनली रेलिवेंट ड्रॉप डाउन ऑप्शंस कोरस्पोंडिंग टू द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन सब टाइप विल मेक श्योर दैट द टैक्स पेयर विल सिलेक्ट ओनली द करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप एप्लीकेबल फॉर द रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन सब टाइप व्हाइल जनरेटिंग द ईवे बिल। अगर अब आप ईवे बिल जनरेट करेंगे तो जो भी सब टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, सिर्फ वही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब यहां पर गलती के चांसेस कम हो जाएंगे कि आप कोई गलत डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट नेम बेस्ड ऑन द एंटर्ड पिन कोड। जैसा कि ईवे बिल जनरेट करते हुए बिल फ्रॉम ऑप्शन और बिल टू ऑप्शन में जैसे ही आप सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर एंटर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एड्रेस अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड रहता है, ऑटोफिल हो जाता है। लेकिन डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू ऑप्शन में आपको पिन कोड एंटर करना होता है, साथ ही आपको स्टेट भी एंटर करना होता है। लेकिन अब आप इन दोनों ही ऑप्शन में जैसे ही पिन कोड एंटर करेंगे उस पिन कोड के अकॉर्डिंग जो स्टेट नेम है वह ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। जैसे ही आप पिन कोड एंटर करते हैं तो स्टेट वहां पर अपने आप ही शो करने लग जाएगा। कुछ केसेस में हो सकता है जैसे ही आप पिन कोड एंटर करते हैं तो एक पिन कोड दो स्टेट को बिलोंग कर सकता है, फॉर एग्जांपल इन हैदराबाद एंड तेलंगाना। तो ऐसे में जैसे ही आप पिन कोड एंटर करते हैं, अगर वहां पर दो स्टेट से बिलोंग करता है वह पिन कोड, तो वहां पर आप जिन भी स्टेट से वह पिन कोड बिलोंग करता है वहां पर आपको शो हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है वह चूज कर सकते हैं। नंबर 3, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट्स फॉर टैक्स। अभी तक आप जब भी ईवे बिल जनरेट करते थे तो आपको रेट ऑफ टैक्स एंटर करना होता था, लेकिन अब जब आप ईवे बिल जनरेट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स जो भी है, फॉर एग्जाम्पल 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, यह सभी रेट्स वहां पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी जाएंगी और आप उनमें से जो भी आपकी रेट ऑफ टैक्स है वह चूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर टैक्स रेट एंटर नहीं करनी पड़ेगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप जो भी टैक्स रेट आपके इनवॉइस पर एप्लीकेबल है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, एडिशनल फील्ड्स फॉर एंटरिंग द इनवॉइस अमाउंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अभी तक आप जब भी ईवे बिल जनरेट कर रहे थे तो आपको अदर चार्जेस या फिर अदर अमाउंट के लिए कोई भी कॉलम नहीं दिया जाता था, तो ऐसे में इनवॉइस में अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा था तो वह ईवे बिल में शो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ईवे बिल की अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट मैच नहीं हो पाती थी। इस इशू को देखते हुए अब यहां पर एक एडिशनल फील्ड इंसर्ट किया गया है, अदर अमाउंट्स। तो अब कोई भी अगर डिस्काउंट है या फिर कोई अदर चार्जेज है तो आप प्लस माइनस करके यहां पर वह अमाउंट एंटर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इनवॉइस वैल्यू और ईवे बिल वैल्यू मैच हो जाएगी। नंबर 5, अलर्टिंग द जनरेटर ऑफ द ईवे बिल थ्रू SMS एंड पॉपअप इन केस द टोटल इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 10 करोड़ रुपीज। तो अब अगर कोई भी ईवे बिल जनरेट किया जा रहा है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनवॉइस वैल्यू का, तो ऐसे में यहां पर जो भी जनरेटर है, जो भी ईवे बिल जनरेट कर रहा है, उसको एक SMS दिया जाएगा कि आपके GSTN पर एक 10 करोड़ से ज्यादा का ईवे बिल जनरेट किया जा रहा है, क्या वह सही है या फिर गलत। कई बार ऐसा होता है कि हम ईवे बिल जनरेट करते हुए
टाइपिकल एरर कर देते हैं और कोई लेट से कोई 10 लाख रुपए का इनवॉइस है और हम गलती से 2 जीरो ज्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से वह 10 करोड़ रुपए का ईवे बिल जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी दी गई है इन न्यू वर्जन की एक SMS भेजा जाएगा अगर ईवे बिल 10 करोड़ से ज्यादा का है। SMS एंड पॉपअप विल अलर्ट द जनरेटर रिगार्डिंग द हायर ईवे बिल वैल्यू सो दैट इन केस द एक्चुअल वैल्यू इज लेस देन रुपीज 10 करोड़ बट यूजर एंटर्स द हायर वैल्यू ड्यू टू टाइपो मिस्टेक एटसेट्रा द सेम कैन बी एक्टेड अपॉन अकॉर्डिंगली। तो अब कोई भी टाइपिकल एरर रहती है, अगर आप 10 लाख रुपए के इनवॉइस को गलती से 10 करोड़ रुपए का इनवॉइस एंटर कर देते हैं तो ऐसे में यहां पर आपको एक SMS भेजा जाएगा जिससे कि आपको अलर्ट किया जाएगा कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू का ईवे बिल जनरेट किया जा रहा है। नंबर 6, ट्रांसपोर्टर ID इज मेड कंपल्सरी फॉर जनरेटिंग पार्ट ए स्लिप। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईवे बिल जनरेट करने के लिए पार्ट बी का फिल होना जरूरी है। अगर आप पार्ट ए फिल कर देते हैं लेकिन पार्ट बी अगर आप फिल नहीं करते हैं तो ईवे बिल जनरेट नहीं होता है। ऐसे में अगर आप पार्ट ए फिल कर देते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टर अगर पार्ट बी को अपडेट करना चाहता है ईवे बिल जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ID कंपलसरी कर दी गई है। अब पार्ट ए फिल होने के बाद अगर ट्रांसपोर्टर पार्ट बी फिल करना चाहता है तो वहां पर उसको अपनी ट्रांसपोर्टर ID एंटर करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसके बिना ईवे बिल जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वो चेंजेस थे जो ईवे बिल में 1 अक्टूबर 2018 से होने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।